السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فعادها ثلاثة مرار ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد حديث كرابي أبو أمامة رضي الله تعالى عنه هو कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताइए यानी इस आदमी पर क्या हुक्म लगेगा यह मुझको बताइए अच्छा वो कौन आदमी था कैसा था उसका मसला क्या था गज़ा अज़रा जलतमसरा वा माँ कि वो ऐसा आदमी है जिसके मुतालिक मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ अल्लाम कि उसने जिहाद किया अल्लाह के रास्ते में जिहाद की यल व वज़िका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ़ से अजर सवाब के लिए भी और लोगों में अपने चर्चे के लिए यानी यानि व अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वे में शरीक है जिहाद भी कर रहा है लेकिन उसकी नीयत में दो बातें उसने अपने दिल में दो इरादे दो बातों को जमा कर दिया है एक तो ये कि वो अल्लाह इज़्ज़त की तरफ से उस जिहाद पर अजर भी चाहता है और फिर दूसरी चीज़ ये है कि वो लोगों में इस जिहाद पर अपना चर्चा भी चाहता है कि लोग चर्चा करें तो फिर मा लहू तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि ऐसे आदमी का क्या हुक्म है फ़क सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लाशू उसके लिए कुछ नहीं उसके लिए कुछ नहीं है फायदा सलाह मेरा रही तो सहाबी ने करीम करी सलातम से ताकीद के लिए कि भाई बड़ी बात है कि जहाद जैसा अमल कर रहा है मुमकिन है कि जान की कुर्बानी जाए माल की कुर्बानी आदमी लगा कर और उसका यह मसला है सहाबी ने तीन बार कन्फर्म करने के लिए कि नब करीम अलीसात वसलाम से यही सवाल तीन बार किया उनको तो ताजुब हुआ कि इतना बड़ा अमल करने के बाद अल्लाह से हजर की उम्मीद भी है बस मसला यह है कि उसी नीयत में वो जिक्र भी चाहता है लोगों से अपनी तारीफ भी सुनना चाहता है तो तीन मरतबा इस सवाल को दोहराया इसे हमारे यहाँ होता है ना हमारे यहाँ तो मसला ये है अलग ही होता है हमारे यहाँ लोग सवाल करते हैं कब तक करते हैं जब तक अपने मुआफ़ जवाब ना मिल जाए लेकिन यहाँ मसला नहीं यहाँ ताक़द के लिए बहुत बड़ा मसला है ना ये कि आदमी जिहाद में है जंग कर रहा अल्लाह के रास्ते में मुमकिन है कि जान भी चली और जान भी गंवा देता है तो अल्लाह के केसल्म ने तीनों दफ़ा यही जवाब दिया लाश उसके लिए कुछ नहीं इन अल्लाह वजह बता रहा कि इन अल्लाह ला कबल आमल क्योंकि अल्लाह तबारक वमल को कबूल नहीं करता है जिसमें इखलास ना हो जिसमें अल्लाह रबुल्जत की रजामंदी की तरफ ना रह अल्लाह उसी अमल को कबूल करता है अब अमल देखिए अमल का ताल्लुक दो, दो चीज़ों से होता है अमल के बहुत सारी शक्लें बहुत सारी सूरतें बुनियादी तौर पर अमल का ताल्लुक दो चीज़ों से होता है बुनियादी तौर पर एक तो इबादत से होता है और एक आदात मामला उससे होता है उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा मतलब यह है कि अगर वह कोई फरीजा कर रहा है कोई अमल उसने किया फर्ज चीज़ जैसे मिसाल के तौर पर नमाज़ है एक आदमी मस्जिद आया नमाज़ अदा करने के लिए आया था अल्लाह के लिए उसको इस बात का शा था, था कि नमाज ये फ़र्ज़ है फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के लिए आया और नमाज अदा कर रहा है लेकिन अब नमाज के दौरान उसके दिल में एक साहब बैठे हुए हैं और उसके दिल में एक ख्याल पैदा हो रहा है नमाज के दौरान ख्याल पैदा हुआ शुरू तो अल्लाह के लिए किया था यह इस एहसास के साथ रब्ज़त ने नमाज़ को फ़र्ज़ किया है लिहाजा नमाज को अल्लाह के लिए पढ़ना है नमाज़ पढ़ रहा है लेकिन दिल में एक साहब बैठे हुए हैं कोई बैठा हुआ है मस्जिद ही में एक कोने में अब उसके जहन में उसके दिल में ये बात आई कि ये मुझको देख रहे हैं अब वो अपनी नमाज के अंदर बनाओ और खुशो खजू और बड़े इत्मीनान के साथ नमाज़ पढ़ रहा है और बड़े लंबे लंबे सजदे कर रहा है गोया कि एक सजदे के दो मस्जूद हो गए इतना लंबा सजदा वो किसके लिए कर रहा है सजदा अल्लाह के लिए भी कर रहा है और वो साहब देख रहे उसके लिए भी कर रहा है अब इसकी नीयत के अंदर दो बातें जमा हो गई एक तो ये अल्लाह से उम्मीद के साथ ये नमाज पढ़ रहा था फर्द नमाज अदा कर रहा था और दूसरे उसने जो नमाज में इत्मीनान सुकून लंबी लंबी रखाते और लंबे लंबे जो सजदे कर रहा है वो फला साहब के लिए कर रहा है तो अब उलमा कहते हैं कबूल ना होने का मतलब यह है नमाज जैसा ये फरीजा उसके जिम्मे से ख़त्म नहीं होगा अब सोचिए कि इखलास ना होने का कितना बड़ा नुकसान है नबी करीम के इसी हवाले से जो मैं बात कह रहा हूँ इसी हवाले से हदीस है अबू सईद खुदरी रावी हदीस है कहते हैं कि ख़रजा रसूल सल्ला करमसीदजाल एक मरतबा हल्का लगाए हुए एक मजलिस में हम दज्जाल के फितने का जिक्र कर रहे थे दज्जाल के फितने का तस्करा कर रहे थे और नबी वसलाम हमारे मुजलिस की तरफ आए महफिल की तरफ आए और आपने हमारी बातें सुनी तो कहा कि अला उख बख वमसाल क्या मैं तुमको एक ऐसे फ़ितने के बारे में ना बताऊँ जो दतजाल के फ़तने से भी ज़्यादा ख़तरनाक फितना है जिसका खौफ मुझे तुम्हारे ऊपर है कि तुम कहीं उस फितने के शिकार ना हो जाओ तो उसके बाद सारे लोगों ने कहा कि फकुल्ला बला या रसूल अल्लाह तो हमने कहा अल्लाह के रसूल जरूर बताइए कहा खफी छुपा हुआ बारीक खुफिया शिरक यानी एक होता है शिरक जली वाजे कि आदमी ये बता दे कि ये शिरक कर रहा है ठीक है गैरुल्ला के सामने सजदा कर रहा है बहुत सारी चीजें हम मतलब एक शिरके जली है आगे बता सकता है कि शिर कर रहा है तू लेकिन एक खफी है छुपा हुआ शिरक है वो क्या है नबी करीम कहते हैं के आदमी खड़ा हो फी कि वो खड़ा हो नमाज पढ़े और अपनी नमाज को मुजैन करे बनाए खुशू खुसू इख्तियार करे लंबी लंबी रखाते लंबी लंबी रुको और सुजोत करे अल्लाह के नबी ने कहा वो ऐसा क्यों कर रहा है लिमा मिन नजर यिन इस वजह से नहीं कर रहा है कि अला रबुल्जत भी उसको देख रहा है इस वजह से कर रहा है कि एक बंदा उसकी नमाज को देख रहा है बंदे के देखने की वजह से कर रहा है अल्लाह रब देख रहा है इस वजह से नहीं कर रहा है तो करीम सलाम ने कहा मुझे इस फितने से ज्यादा यानी दज्जाल के फितने से ज्यादा मुझे इस फितने का खौफ तुम्हारे ऊपर है इसलिए कि दज्जाल के फितने का तो एक खास जमाने में होगा ना एक खास वक्त में उसका अपना एक खास वक्त है एक खास जमाने में दज्जाल के फितने का होगा लेकिन यह फितना ऐसा है कि इसमें कोई भी कभी भी और किसी वक्त भी मुबतला हो सकता है तो आप यह देखिए कि ये जो इसका एक मैं अमल बता रहा था कि अमल का ताल्लुक इबादत से होता है ये तो इबादत हुआ तो ऐसा अमल बातिल हो जाएगा ऐसा आदमी नमाज पढ़कर भी क्या है उसके ज़िम्मे नमाज का फरीजा या अदा नहीं हो पाएगा अच्छा एक अमल होता है आदत से मामलात से मिसाल के तौर पर नींद है एक आदमी उसकी आदत उसकी फ़ितरत में है इंसानी तकाजा है ना नींद सोना एक आदमी बस नॉर्मल ऐसे है चूँकि भाई उसको नींद कह जाए तो सो गया लेकिन एक आदमी ऐसा है कि जो सो रहा है इस वजह से कि जब मैं सोऊंगा तो मेरे जिसम में कुत होगी मेरे जिसम में निषाद पैदा होगी एनर्जी पैदा होगी फिर मैं कल यानी सुबह फजर की नमाज़ अदा करूंगा और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके मैं मजबूती के साथ अल्लाह रबुल्जत के रजा वाली काम करूँगा खुशनुदी वाली काम करूंगा इस इरादे के साथ सो रहा है तो क्या है उसको अल्लाह ताली चूंकि वह इस एक आम चीज को एक जरूरत जो उसकी अपनी जरूरत थी ठीक है लेकिन उसने चूंकि अल्लाह के रजा के लिए काम किया है तो एक आदत भी उसके लिए क्या हो गई इबादत हो गई उसको सवाब मिलेगा उस पर और एक आदमी ऐसे नॉर्मल सरत उसको सवाल मिलेगा तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा जब आदमी किसी आम काम को भी अल्लाह की मर्जी के लिए करता है तो अल्लाह ताला उस पर सवाब देता है तो ये कह रहे हैं कि मा माँ का सन वक्तिया वजह हो कि वो अमर अल्लाह को कबूल ही नहीं है जिसमें यह आदमी मुखलिस ना हो और ना ही उसको अल्लाह की रजा के लिए करे तो ये एक हदीस हमारे सामने थी जिसमें इखलास के बारे में बताया गया कि इतना बड़ा अमल करके भी आदमी अगर मुखलिस नहीं है तो सिफर है जीरो है इससे पहले की हदीस हमने देखी है कि अल्लाह ने कहा कि मैं सबसे बेहतरीन हिस्सेदार हूं सबसे बेहतरीन मैं हिस्सेदार हूँ कि किसी अमल में किसी काम में जब हिस्सा लगा दिया जाता है तो फिर मुझे नहीं चाहिए वो काम जिसमें हिस्सा लगा दिया गया हो मैं उसको अपने हिस्सेदारों को दे देता हूँ इसलिए कि मैं ऐसे अमल से और ऐसे हिस्सेदारों से बेनियाज हूँ मुझे ऐसे अमल की जरूरत नहीं है कि जिसको बंदा हिस्सा लगा दे ये इसके लिए है यह फला के लिए है या फला को देखने के लिए या फला को दिखाने के लिए तो अल्लाह तला कहता है मुझे ऐसे अमल की ज़रूरत नहीं है मैं बहुत अच्छा साझीदारों बहुत अच्छा हिस्सेदार हिस्सेदारों मैं सब दे देता हूँ दूसरों को इसलिए कि मैं बेनियाज हूँ मुझको ऐसा अमल चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी रजा मर्जी के लिए किया गया हो मुझको ऐसा काम चाहिए ऐसी इबादत चाहिए जो बिल्कुल मुखलिस और इखलास के साथ किया गया हो ये इस हदीस का मेरे भाइयों और मफूम था पैगाम था इसके बाद इंशाल्लाह इसी से मिलती जुलती दूसरी हदीस देखेंगे अल्लाह तआला हम और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए आमीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हुसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जज़ाकल्लाहु खैरन